साइबर सिटी गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला के सामने लाला दीन दयाल निशुल्क होम्योपैथी चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट मरीजों को निशुल्क इलाज व दवाइयां देता है। ये संस्था 2003 से गुरुग्राम में लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। अग्रवाल धर्मशाला स्थित लाला दीन दयाल निशुल्क होम्योपैथी चिकित्सालय की डॉक्टर शीतल की माने तो इस चिकित्सालय में सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि ये चिकित्सालय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खुलता है, जहां दूर दराज से मरीज अपना इलाज कराने के लिए यहां आते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शीतल सिंगला। ये संस्थान रमन हैंडलूम द्वारा में डॉक्टर सुनील भैया ने चलाया हुआ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निशुल्क है। यहां कोई पैसे चार्ज नहीं होते हैं, सिर्फ दवाइयों के 20-30 रुपये जो भी हफ्ते की दवाई के वो दिए जाते हैं बस। बाकी बिल्कुल निःशुल्क है सबके लिए और हर तरह की मेडिसिन यहाँ प्रोवाइडेड है। मदर टिंचर है, डाइल्यूशन है, होम्योपैथी की जितनी तरह की मेडिसिन है सब यहाँ फ्री में प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ पर जटिल से जटिल समस्याओं का, जितनी भी असाध्य बीमारियाँ हैं और जो भी हम किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे वो मेल से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, बालों से है, टॉन्सिल्स है, एक्जिमा है, हर तरह की बीमारियों का यहाँ पर पूरे अच्छी तरह से इलाज करा जाता है, पूरा जड़ से खत्म होती है बीमारियां यहाँ पर। दीनदयाल निशुल्क होम्योपैथी चैरिटेबल संस्था सुनील गर्ग की माने तो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं ना होने से और प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए सुनील के पिताजी ने एक चिकित्सालय की शुरुआत की थी, जिसका नाम है लाला दीनदयाल निशुल्क होम्योपैथी चिकित्सालय, जहां पर बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग सभी का इलाज निशुल्क किया जाता है। चिकित्सालय की डॉक्टर शीतल सिंगला ने द ग्राउंड न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान बताया कि आज के दौर में होम्योपैथी दवाइयों पर लोगों का भरोसा कायम है और ये भरोसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि होम्योपैथी दवाई एक ऐसी दवाई है जो सभी रोगों को जड़ से खत्म कर देती है। कैमरामैन गोल्डी डावर के साथ कविता कश्यप की रिपोर्ट।